हेलो गाइस, तो क्या सब, क्या आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो है मलेशिया का मल्टीपल इंट्री वीज़ा कैसे ले सकते हैं। तो मैं आपको पूरी डिटेल बताएगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसमें, और इसमें कितना खर्चा आता है, और मतलब ये कैसे आपको मिलेगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मल्टीपल इंट्री वीज़ा किस लिए होता है, जैसे कि ये होता है मल्टीपल इंट्री वीज़ा एक साल में, या फिर इसमें जो टाइम आपको दिया जाता है एक महीना या फिर छः महीना या फिर आप एक साल के लिए लेते हैं, तो आप उसमें जितनी मर्जी बार आप आ जा सकते हैं मलेशिया के अंदर, या फिर आप जिस भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, अगर जो कंट्री आपको प्रोवाइड कर रही है नहीं कर रही है वो कंट्री के ऊपर है। जैसे अभी मलेशिया मल्टीपल इंट्री वीज़ा प्रोवाइड कर रही है इंडिया को और चाइना को, तो जब कोई भी इंडियन मलेशिया के अंदर मल्टीपल इंट्री वीज़ा अप्लाई करता है तो उसमें जो उसको टाइम दिया जाता है 6 मंथ या फिर एक साल का वो लिया जाता है, तो एक साल के अंदर वो जितनी मर्जी बार आए जाए। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई सोशल वर्कर है या फिर कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई डॉक्टर है, मतलब कोई भी सोशल वर्कर है मलेशिया के अंदर मल्टीपल इंट्री कर सकता है। तो उसमें जैसे नॉर्मली कोई भी टूरिस्ट आता है तो उसमें जो बैंक स्टेटमेंट होता है, जो जिसको प्रूफ ऑफ फंड भी बोलते हैं, तो उसमें लिमिट होती है। जैसे नॉर्मली जब कोई ट्रैवलर आता है तो उसमें जो बैंक स्टेटमेंट होता है एक लाख तक इंडिया का जो शो मनी आपको दिखाना पड़ता है, मतलब बैंक के अंदर, उसके अलावा फिर जो आप कैश लेके आते हैं वो अलग होता है। लेकिन जो मल्टीपल इंट्री वीज़ा होता है उसमें काफ़ी, मतलब आपको 3 से 4 लाख इंडिया की जो मनी है आपको बैंक में दिखानी पड़ेगी। और वो वीज़ा आपको मिलेगा कैसे, जैसे ऑन अराइवल वीज़ा तो आपको एयरपोर्ट पे मिल जाएगा, जो ई वीज़ा या फिर ऑन अराइवल वीज़ा आपको एयरपोर्ट पे मिल जाएगा, लेकिन मल्टीपल इंट्री वीज़े के लिए आपको जो मलेशिया की काउंसलेट है, जो भी एम्बेसी है इंडिया के अंदर, वहाँ पर जाके आपने अप्लाई करना पड़ेगा कि आप किस लिए वहाँ पर जा रहे हैं और आपका जो पर्पज़ क्या है वो आपको सारी बतानी पड़ेगी उसके जब आपका इंटरव्यू होता है। जब आप मलेशिया की एम्बेसी में वहाँ पर जाएंगे तो आपको ये सारी बातें बतानी पड़ेगी, आपका जो पर्पज है मलेशिया में मल्टीपल इंट्री के लिए कि क्या है, तो उसकी आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। आप इंडिया के अंदर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर आपका खुद का बिजनेस है, आप डॉक्टर इंजीनियर जो भी है, वो अपनी पूरी डिटेल जो भी प्रूफ है उसके जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे। उसके अलावा फिर आपका जो पासपोर्ट है वो आपका वैलिड होना चाहिए, जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम 6 मंथ आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और जो इसमें मनी है जो बैंक स्टेटमेंट है वो कम से कम 3 से 4 लाख रुपया आपके अकाउंट में होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो मल्टीपल इंट्री वीज़ा होता है ये खासकर जो बिजनेसमैन होते हैं उनका आना जाना लगा रहता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और जब फर्स्ट टाइम आप मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करते हैं, जब एयरपोर्ट पे आते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसमें आपको जो इटिनरी टिकट होता है, मतलब रिटर्न टिकट होता है, वो आपको दिखाना पड़ेगा, और आपका जो होटल वगैरह जो भी आप जहाँ पर भी स्टे करेंगे वो अपने सारे अकोमोडेशन आपको प्रूफ देना पड़ेगा मल्टीपल इंट्री वीज़े के लिए। इसमें मतलब कोई भी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होती, स्पॉन्सर की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, आप मतलब आपको पर्पज़ आपका आप बताना पड़ेगा कि जब आप एम्बेसी में जाते हैं वहाँ पर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, वहाँ पर आपको पर्पज़ बताना पड़ेगा कि आप मल्टीपल इंट्री मलेशिया में क्यों कर रहे हैं, तो वहीं पर सारा क्लियर हो जाएगा। जो आपका वीज़ा है आपका एम्बेसी के थ्रू लग जाएगा, एयरपोर्ट पर सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, उसके अलावा फिर आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लग जाएगी और आपको मल्टीपल इंट्री वीज़ा मिल जाएगा। तो गाइस, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना तो मुझे टॉपिक दे, कमेंट करे या फिर मुझे मैसेज करे, इंस्टाग्राम पे करे, व्हाट्सएप पे करे, तो मैं उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाएगा। तो गाइस, आज के वीडियो में यही जानकारी थी, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।